नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में लगातार दूसरे दिन कुरुक्षेत्र में खाप महापंचायत हुई। इससे पहले भी यहां पर यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, लेकिन इसमें कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। लेकिन महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने अब सरकार को 9 जून तक का समय देते हुए कहा है, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। किसी के साथ कोई भी हादसा होता है तो जिम्मेदार उसी का होगा, यानी कि जिम्मेदार यहां पर बृजभूषण शरण सिंह होगा। हम 9 जून के बाद पहलवानों को वापस जंतर मंतर पर छोड़ कर आएंगे और देश भर में पंचायत करेंगे। दरअसल दोनों महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से खापों के प्रमुख यहां पर हिस्सा ले चुके हैं। और इसी को लेकर राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि हम महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में ऐसी खाप पंचायत आयोजित करेंगे। शामली में 11 जून को, हरिद्वार में 15 से 18 जून तक पंचायत होगी। टिकैत ने कहा है कि पहलवानों के मामले में बीच का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि यहां पर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर ही अड़े रहेंगे। उन्होंने दावा किया है कि हमारी महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलता है तो 9 जून से हम आंदोलन अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन अगर उस आंदोलन में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो यहां पर जिम्मेदार सरकार और बृजभूषण ही ठहराए जाएंगे, क्योंकि अभी तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सरकार ने कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है। यहाँ पर मीटिंग होने के बावजूद भी सरकार कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आई है। इसलिए यहाँ पर साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम यहाँ पर 9 जून से पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। अगर सरकार उनकी गिरफ्तारी की मांग को पूरा नहीं करती है तो हम यहाँ पर विश्वव्यापी आंदोलन करते हुए नजर आएंगे।